आप सब लोग जानते हैं कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के कई इलाकों में, कई विधानसभाओं के अंदर उन्होंने पदयात्रा शुरू की। पहले चरण की पदयात्रा में जनता का अद्भुत आशीर्वाद, सहयोग और प्यार मिला। पहले चरण की पदयात्रा में जहां जहां, जिस तरफ, जिन इलाकों में वो गए, जनता के मन में इस बात का प्यार सामने आया कि एक ही व्यक्ति है जिसने दिल्ली के अंदर 10 साल में बदलाव करके दिखाया है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, माताओं बहनों को बस की फ्री यात्रा देने के क्षेत्र में, हर क्षेत्र के अंदर अद्भुत और अनुकरणीय काम करके दिखाया है। और इस कारण से आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बौखलाकर अरविंद केजरीवाल जी पे हमला भी किया। उस पदयात्रा को मिल रहे समर्थन के कारण भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अरविंद केजरीवाल की पदयात्रा को रोकने की नापाक कोशिश भी की और खुलेआम गुंडागर्दी की, सुरक्षा घेरे को तोड़ के हमला किया और वीडियो बनाकर चेतावनी दिया कि हम ऐसी पदयात्रा करने नहीं देंगे। बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने वीडियो बना के उस हमले का समर्थन किया। शर्मनाक बात है, अरविंद केजरीवाल से चुनाव नहीं जीत पाते, काम की राजनीति में आगे नहीं जा पाते, स्कूल अस्पताल नहीं बना पाते, फ्री बिजली फ्री पानी नहीं दे पाते, तो उनके ऊपर हमला करके उनकी राजनीति को रोकना चाहते हो, उनकी पदयात्रा को रोकना चाहते हो। लेकिन केजरीवाल जी रुके नहीं, अपनी पदयात्रा को उन्होंने जारी रखा। दीपावली का पर्व आ गया जिसके कारण से पदयात्रा स्थगित हुई थी। दूसरे चरण की पदयात्रा की शुरुआत आज से फिर से रजौरी गार्डन के इलाके से हो रही है। रजौरी गार्डन विधानसभा में अरविंद केजरीवाल जी की पदयात्रा की शुरुआत आज से फिर से होगी और ये पदयात्रा का क्रम पूरा नवंबर और दिसंबर लगभग सभी विधानसभाओं में केजरीवाल जी की पदयात्रा होगी। इसका मकसद एक है, जन जन तक पहुंचना, एक एक व्यक्ति तक पहुंचना, एक एक व्यक्ति को बताना कि किस तरह से साजिश करके दिल्ली का काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रोका जा रहा है और किस तरह से लड़ लड़ के, संघर्ष करके पिछले 10 सालों में दिल्ली के लोगों के लिए केजरीवाल जी ने काम किया है।